में क्यों चाहिए सुस्ती और क्यों लगातार गिर रहे हैं, इस पर ब्रोकरेजेस का क्या आउटलुक है? नेहा हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए सारी डिटेल्स। नेहा बताइए। आयरन ओर से शुरुआत कर देती हूँ क्योंकि एकाएक वहां पर स्टीप फॉल देखने को मिला, दो दो महीने के लोस पर डेलियन एसजेएक्स दोनों पर है। बेसिकली स्टील डिमांड जो है उसको चाइना में बहुत धक्का लगा है और चाइना पे हम फोकस इसलिए करते हैं क्योंकि मेटल के सबसे बड़े कंज्यूमर में से हैं। अब स्टील की जब आप बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो उनका बिल्कुल सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। इतने सारे स्टिमुलस एड्स वहां पर निकल कर आ चुके हैं, आगे भी प्लानिंग हो रही है कि सिर्फ प्रॉपर्टी सेक्टर स्पेसिफिक ही स्टिमुलस लेकर आएंगे, लेकिन उसका कोई फायदा मिल नहीं रहा है। घरों की कीमतें गिरती चली जा रही है, नए घरों की डिमांड निकल कर नहीं आ रही है और प्रॉपर्टी सेक्टर स्टील का सबसे बड़ा गजलर होता है, लेकिन उसकी क्योंकि डिमांड नहीं आ रही है, आयरन ओर की कीमतें लगातार गिरती जा रही हैं। अब बात बाकी मेटल्स की, कॉपर को भी एक बेलवेदर कमोडिटी मेटल कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, घरों को बनाने के लिए कॉपर बहुत ही महत्वपूर्ण मेटल होता है। इसकी भी कीमतें आप देखें, ये प्रेशर खा रही हैं। महीने भर में जो कीमतें हैं सारे मेटल्स की 5-15% तक एलईमी पर गिर चुकी हैं या फिर शंघाई में गिर चुकी हैं। कारण क्या है इसका? चीन में जिस तरह की सुस्ती के संकेत हैं, जो रिवाइवल नहीं आ रहा है, जितने हेज फंड्स ने पैसा लगाया था, कॉपर को रिकॉर्ड हाई पर लेकर गए थे, एल्यूमिनियम जिंक को मल्टी ईयर हाइस पर लेकर गए थे, वो सब अब धीरे धीरे करके अपना जो पैसा है अपनी खरीद की पोजीशन से वापस निकल रहे हैं। एक्सचेंज पर अगर देखा जाए, शंघाई एक्सचेंज पर कॉपर की जो सप्लाईज हैं, जो भंडार है, वो 4 साल की ऊंचाई पर चला गया है और इस साल की शुरुआत से अब तक 10 गुना उनके भंडार यहां पर बढ़ चुके हैं। डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथन होता चला जा रहा है, 8 हफ्ते की ऊंचाई पर है और साथ ही ब्राजीलियन माइनर वेल जो हैं, बहुत बड़े माइनर हैं ब्राजील के, कॉपर निकल का आउटपुट वो सुधारते हुए देख रहे हैं, लेकिन 2026 ऑनवर्ड्स उन्हें लगता है कि धीरे धीरे करके, लेकिन डिमांड जो सामने चाइना से निकलकर नहीं आ रही है, यही सबसे बड़ा डिप्रेसिंग फैक्टर साबित हो रहा है मेटल्स के लिए। मैक्वेरी नई रिपोर्ट लेकर आए हैं, निकल में रिबाउंड देख रहे हैं लेकिन उन्हें लगता है कि वो अगले साल ऑनवर्ड्स ही आपको देखने को मिलेगा। करंट लेवल से 20% चढ़ सकता है लेकिन और प्रेशर पहले आएगा। सिटी वो तो मान रहे हैं कि कॉपर बुलिश है 1-1.5 साल के लिहाज से क्योंकि माइनिंग सप्लाई यहां बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि पहले करेक्शन आएगा, 9500 तक ये नीचे आ सकता है। एमिरेट्स एनबीडी और मोतीलाल ओसवाल से मैंने बात की, वो तो मान रहे हैं कि प्रेशर यहां से और आएगा, 20% करेक्शन और कॉपर में यहां पर देखने को मिलेगा और फिर उसके बाद यहां पर कॉपर जिंक में कुछ खरीदारी लोअर लेवल से आ सकती है। तो सप्लाई का क्रंच है, माइनिंग की दिक्कत है, लेकिन अगर चाइना की डिमांड निकल कर नहीं आएगी, रिवाइव नहीं होगी, तो ये प्रेशर जारी रहेगा। ओके, तो चीन की तरफ से जो खराब खबरें आ रही हैं, वहां से डिमांड ठंडी होने के जो संकेत है, उससे आयरन ओर और बाकी मेटल्स के दामों पर जबरदस्त एक्शन मंदी की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। एक बार जरा राय सिद्धार्थ जी की भी ली जाए। सिद्धार्थ जी क्या कहेंगे, थोड़े देर छोड़ दें मेटल स्टॉक्स को, थोड़े और नीचे आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं अनिल जी, क्योंकि अगर ग्लोबल मेटल प्राइसेस थोड़े कमजोर होते हैं तो इन पे भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ता है, बट मैं ओवरऑल तरीके से काफी पॉजिटिव हूँ मेटल्स इंडियन स्टॉक्स को लेके, स्पेशली टाटा स्टील और हिंडाल्को पे, क्योंकि मुझे लगता है कि टाटा स्टील भी एक अच्छा यहाँ से केपेक्स प्लान के साथ प्राइसेस भी इंप्रूव कर सकता है और हिंडाल्को में नोवेलिस के आईपीओ, साथ ही साथ ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है हिंडाल्को के वो काफी बेहतर है। तो मेरा अगर व्यू यहाँ पे दूं तो मैं ये दोनों स्टॉक पे अक्यूमुलेशन करना चाहूंगा, अगर कोई गिरावट आती है तो इसको ऐड करते रहे, क्योंकि ओवरऑल चाइना के कारण मुझे लगता है मेटल्स पैक ये साल और आने वाला साल स्ट्रॉन्ग रह सकता है क्योंकि स्टिमुलस पैकेज आते रहेंगे। स्टिमुलस पैकेज आते रहेंगे, कोई परेशानी नहीं। अभी हिंडाल्को पर आशु सर का भी अपडेट पॉजिटिव था और यहाँ पर सिद्धार्थ जी को भी पसंद आ रहा है, इस पर रखेंगे नजर।